बात ये है लाक्ष। हाँ जी। तूबा का प्रमोशन होने वाला है। प्रेग्नेंट हूँ मैं। तूबा जो है ना बड़ी बहन बन जाएगी। मैंने कहा था पांच बच्चे होंगे। चलवागे पार्टी तो करो फिर। ओहो मुझे तो अभी से खड़ा नहीं हो जा रहा। पर सरप्राइज प्रेग्नेंट हूँ। मेरे घर नहीं मेहमान आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का सीन क्या है? आज का सीन ये है कि आज बच्चों की नैनी नहीं आई है, तो तीनों बच्चे यहाँ पे देख देखो जरा। बच्चा वन, बच्चा टू, बच्चा थ्री, बच्चा। तो यहाँ पे इनकी मालिश करने के लिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मालिश, क्योंकि सभी को शावर कराना है। उससे पहले थोड़ा सा इनको फन करा रही हूँ, टमी टाइम करा रही हूँ। दो बच्चों का ये कर चुका है टमी टाइम। यहाँ पे ये कार्टून देख रहे हैं, उसके बाद टमी टाइम कर रहे हैं, फिर कराऊंगी मालिश। और साथ ही साथ ना आप सब बोलते थे तूबा को ये डालो ये डालो, तो हमने तूबा को दोनों भाई के पैर के निकाल के तूबा को डाल दिया और पायल भी डाल दिया। तो गाइस पहले सोचा है काम करते ब्रेकफास्ट कर लेते, क्योंकि गरम गरम चीला ना अभी अच्छा लगता है। इसको अगर रख देंगे ना तो ये खराब हो जाएगा। उसके बाद बच्चों का जो है ना शावर और उनका जो मालिश है वो करेंगे बाद में। तो गाइस बस ना मैं अभी आई हूँ फार्म से, और चीकू के पापा के साथ मैं पायल हम लोग गए हुए थे फार्म। वहां से आने के बाद मैंने सबसे पहले शावर लिया है, और शावर लेने के बाद बस अब लंच करूंगी। और ना लंच करने से पहले ना मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी बात बताने वाली हूँ। ये बात अभी तक किसी को नहीं पता, मतलब ना पायल को पता ना चीकू के पापा को पता, सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो मैंने सोचा है काम करती पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। बात ये है, समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। बात ये है कि गाइस आई एम प्रेग्नेंट, और ये जो गुड न्यूज है ना ये सब लोगों को देनी है, और कैसे दूं समझ नहीं आ रहा। बस बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं इस बात के लिए। चीकू के पापा, चीकू के पापा, चाय पी ली? अच्छा एक बात बतानी थी आपको, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। प्रेग्नेंट हूँ मैं। हाँ सच में दिखा। अरे लेकर आती हूँ, सच बोल रही हूँ, झूठ थोड़ी बोलूंगी। सही है, फिर तो मेरी जुबान सच्ची हो गई। क्या मैंने कहा था पांच बच्चे होंगे? शर्मा गई यार, मुस्कान में देख रही है। प्रेग्नेंट हूँ मैं। कैसे? मतलब सच में? कैसे? हाँ, कैसे क्या होता है? सच में? हाँ सच में, अब टूबा जो है ना बड़ी बहन बन जाएगी। ठीक है अभी बात बताइए, मैं बताऊंगा। ठीक है आप बताना। सूरज भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, मामा बनने वाले हो, प्रेग्नेंट हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? कब पता लगा? आज ही पता चला। थैंक यू भैया, दोबारा घर में खुशी आने वाली है। हाँ बहुत सारी खुशी आने वाली है। उनके पापा को बताया? हाँ पापा को सबसे पहले बताया, उसके बाद मैंने सोचा आपको बताती हूँ। अब जितने भी लोग हैं सबको बता रही हूँ, पायल को बताना बाकी है, हार रही है। चलो फिर फटाफट बताते हैं। शांति यार क्या बने खाने में? बड़ी तेज भूख लग रही है। आज बना है राजमा चावल रोटी। चल ठीक है, एक गुड न्यूज देनी है। क्या दीदी? सोच क्या होगी बताओ, जल्दी बताओ, बेचैनी हो रही सुनने के लिए। प्रेग्नेंट हूँ मैं। सच में दीदी? हाँ सच में। बहुत खुशी की बात है, तूबा का छोटा भाई बहन आने वाला है। चार से पांच हो जाएंगे। हाँ तो और मजा आएगा। नानू गुजी बड़ी भाई बनने वाला है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई। मनु गुड न्यूज है, कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी। थैंक यू, समझ गई तू। थैंक यू चीकू। हाँ जी गुड न्यूज है। क्या? भाई बनने वाले हो बड़े। मम्मा वैसे तो मैं हूँ बड़ा भाई। बेटा इसका मतलब ये है कि मम्मा फिर से आपको भाई बहन देगी। एक एक और भाई बहन? हाँ ये मैं बनने वाला भाई, फिर से भाई, बड़ा भाई। अच्छा लेकिन पापा को बताया अभी तक? पापा को बता दिया, पायल मम्मा को नहीं बताया बस अभी। अच्छा लाक्ष। हाँ जी। तूबा का प्रमोशन होने वाला है। कैसे? तूबा बड़ी बहन बनने वाली है। बताओ सच में कसम से? पर यार तीन तो पल्ले देते पहले। यार लक्ष्मी का वो है, भगवान जी की मर्जी है। तूबा की होगी प्रमोशन, तूबा बनेगी बड़ी सिस्टर। ये तूबा से छोटा कोई आएगा या आएगी? पार्टी तो करो फिर। पायल को तो आने दे, अभी नहा रही है वो, उसको नहीं बताया मैंने। अरे नहीं ना उसे नहीं पता, मुझे भी पता चला जैसे ही पता चला मैंने तुम लोगों को बताया। चलो फिर उनको बता। तो बस ना पायल का वेट है, पायल को आने का वेट कर रही हूँ मैं। जैसे ही वो शावर लेके आती है ना पायल को बताएंगे। चीकू के पापा भी आ गए हैं, ठीक है? सबको बता दिया मैंने। जश्न मनाए, है जश्न, ठीक है जश्न मनाएंगे। एक में हाथ तो दो। ओहो मुझे तो अभी से खड़ा नहीं हो जा रहा। मैं यार सोच रही थी मैं तो पतली होने वाली थी दोबारा। कोई बात नहीं, उम्र पड़ी है शांति है, पतली होने के लिए उम्र पड़ी है, कोई बात नहीं, हो जाऊंगी पतली। पायल
सरप्राइज चीकू चीकू को पता है दोबारा भाई बनने वाला तू चल पागल हाँ प्रेग्नेंट हूँ झूठ बोल रही है अरे झूठ नहीं बोल रही अभी चेक करो सच्ची में सच्ची एक और मेहमान आने वाला है यार तू बस छोटा कोई तो मैं संभाल लूंगी टेंशन मत ले यार वो तो तू ही सारे संभालती है पार्टी कर दे नादीना नादीना नादी नादीना नादीना नादी है नादी पागल हो गई क्या सुन आई एम सो हैप्पी यार मैं भी हैप्पी हूँ मैं क्या कह रही हूँ सुन घर नहीं मेहमान अरे सुन तो ले अब तू नहीं जा रही मेरे साथ मैं अकेले जा रही मार्केट तो ले चल अरे मार्केट जाने में कोई दिक्कत नहीं है नहीं अब एक काम करते पहले डॉक्टर के पास चलते हैं नहीं बाद में चल लेंगे क्यों अरे डॉक्टर के पास चल लेंगे भी तो पता चला एक दो दिन बाद भी जा सकती हूँ नहीं एक बार चलते हैं डॉक्टर को दिखा देंगे ना बाबू तो गाइस मैं ना पायल को समझा रही हूँ कि डॉक्टर के पास रहने देते हैं क्योंकि डॉक्टर के पास ना एक दो दिन मम्मी यार मैं मम्मी को बताऊंगी जैद को बता दूँ जैद अब बड़े भाई बहन बनने वाले हो पहले बड़ा हाँ तो फिर इसके छोटे भाई बहन आने वाले हैं और छोटे भाई बहन इतने छोटे घर में एक और एक हो सकता है दो भी हो सकते हैं क्या पता है ना हमें थोड़ी पता है अच्छा वैसे एक चीज हमने अच्छी करी ना बच्चों के कपड़े जो हमने संभाल के रखे सारे ना मैंने सारे कपड़े यहाँ बेड में रखे हुए छोटे वाले सारे काम आ जाएंगे सारे 9 महीने बाद मेरे घर नहीं मेहमान आ रहे हैं कह रही मम्मी को बता दे उनके बाद में बताऊंगी कल मम्मी को ना आज बताऊ क्या नहीं नहीं बता दे अच्छा लगेगा हेलो मम्मी एक गुड न्यूज है गुड न्यूज मैं नहीं बताऊंगी गोलू खुद बताएगी हाँ मम्मी मैं ये बता रही थी कि प्रेग्नेंट हूँ हाँ हाँ मम्मी दोबारा से कुछ नहीं बस ये लगा लो तू बस छोटे भाई बहन आएंगे उसके हाँ मम्मी कह रही कैसे मम्मी आप हो ना संभालने के लिए अभी चेक करा बस मैंने ना हाँ हाँ जैद 5 महीने का है हाँ हाँ 1 महीना हो गया हाँ कोई बात नहीं मम्मी एक साथ बच्चे पल जाएंगे ना सारे अरे मैं तो करूँगी मजाक मम्मी सच में हाँ हाँ ये तो है ही सही बात है चलो मुबारक हो आपको ठीक है मम्मी पायल प्रेगनेंसी पिलो का रखा है ऊपर रखा मैंने संभाल है संभाल मैं रखा तो सोचा था मैं उसको एलेक्स पे डाल दूंगी चल शुक्र किसी के काम आ जाएगा हाँ। पर वो मैंने रखा हुआ है चल शुक्र हो ना रखा हुआ है तेरे काम आ जाएगा हाँ। चल चीकू चले मम्मा मैं सोता हूं उस पे मैं ही सोऊंगा ठीक है हम दोनों शेयर कर लेंगे ठीक है चल पायल चले तू कहां रेडी हो रही है मैं और चीकू जा रहे हैं मैं सोची थी काम करूंगी ना आते तुम्हारे साथ शॉपिंग कर लेती हूं आते हॉस्पिटल भी हो जाऊंगी एक बार फाइल तो नहीं बनानी पड़ेगी ना हां फाइल तो नहीं बनेगी हां तो एक बार मैम से भी मिलाऊंगी साधु से बैठी मैं चल फिर तो मैं और गोलू हो चुके हैं रेडी हम लोग जा रहे हैं अभी मेट्रो सामान लेने क्योंकि आपको पता है राजा रानी आ चुके हैं तो राजा रानी के लिए जो है फूड वगैरह लेके आनी है और बाकी जो डॉग्स वगैरह आएंगे उनके लिए तो हमने सोचा एक स्टॉक पूरा ले लेंगे एक साथ ही स्टॉक ला के रख देंगे ना हाँ बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा अब तो वैसे भी तेरे को लगाने पड़ेंगे भाई कोई बात नहीं तू अभी भी तू जबरदस्ती जा रही है तो लेकर कहाँ जा रही अरे मैं डॉक्टर को भी एक बार दिखाऊंगी ना चल ठीक है हाँ मैम से भी एक बार बात कर लेंगे ना भैया आप फिर से मामा बनने वाले हो हाँ गोलू एक्सपेक्टिंग गोलू अगेन प्रेगनेंट गोलू मैं तेरे से ना बहुत ज्यादा नाराज हूँ क्यों तूने सबको पहले बताया और मुझे सबसे लास्ट में बताया पायल पहले मैं शावर लेने के लिए गई तब मैंने चेक करा फिर तू चली गई शावर लेने के लिए और तू 10-15 मिनट बाद आई मेरे से वेट ही नहीं हुआ जब तक शावर लेके तब तक मैंने सब लोगों को बताया तेरे को याद है जब मेरा IVF कंफर्म हुआ था सबसे पहला कॉल मैंने तुझे किया था हाँ याद है याद है तो मैं तुझे पास गई हुई थी मैं तुझे दांत में वो कोई दिक्कत थी अकल जड़ा रही थी और मैंने तुझे कॉल किया था सबसे पहले तुझे कॉल किया था चीकू पापा को भी कॉल किया था इस बात के लिए मैं तेरे से बहुत ज्यादा नाराज हूँ आज के बाद मुझसे बात मत करें यार गुस्सा मत हो ना तूने मुझे क्यों नहीं बताया पहले तू वॉशरूम में नहा रही थी तू मुझे बताना चाहिए मैं नहा रही थी आवाज मार देती मेरे को सुनाई नहीं देता मैं भाड़ा देती सरप्राइज था तेरे लिए मम्मा जब आपको पता चला ना तो मेरे को भी पता चला गोलू क्या बात है मैंने सबसे पहले ना हम दोनों ना घर छोड़ के चले जाते हैं सही कह रहा है सही कह रहा है चार बच्चे संभाल लेंगे चार बच्चे संभाल लेंगे पांच हो गए ना तो ये तो जा रहा है ना मेरे साथ अच्छा सारे छोटे बच्चे मेरे पास सारे छोटे तेरे पास समझदार नहीं नहीं ये वाला जो होगा उसको तो मैं तेरे को दे रही हूँ संभालने के लिए मैं नहीं संभाल पाऊंगी अब
चीकू क्या कहता है? मैं तो कहता हूँ हम दोनों चलते हैं। अरे तुझे क्या लगता है ऐसे भाई? बेबी गर्ल होगी बॉय होगा? इस बार मेरे को लगता है बेबी गर्ल होगी, एक और गर्ल आएगी। एक और, चलो भगवान तेरी बात सुन ले जल्दी। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की चीज़ है ना, ये ट्रैफिक है। ये ट्रैफिक पूरा रास्ता खा जाता है, और जब तक ये पुल नहीं बनेगा ना गाइस, ये ट्रैफिक ऐसा ही रहेगा। बोलू ने पूजा को कॉल लगा दिया, तो Hello? मासी को तो पता चलना चाहिए। हेलो, हाँ मैसेज पड़ा व्हाट्सएप पे। यार एक मिनट रुको, मैं पढ़ने ही लगी थी, एक मिनट। तो पढ़ ले पढ़ ले। प्रेग्नेंट हूँ मैं, प्रेगनेंसी अभी चेक किया। ये क्या लिख रही है तू? तू प्रेग्नेंट है कौन? सच में पूजा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी इस बात के लिए? पहले झूठ बोला था। माय गॉड, तेरे को क्या इतनी जल्दी पड़ी थी? अभी तो जैद 5 महीने का भी नहीं हुआ यार। मैं समझ नहीं आ रही, मैं इस पे खुश हूँ के वो दुखी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही तूने कैसी न्यूज दी है। पायल है ना संभालने के लिए? नहीं तो तूने किया क्या ऐसे? मतलब मुझे समझ नहीं आई, तूने इतनी जल्दी क्यों प्लान कर लिया दूसरा? है तो है घर में 4 बच्चे। यार भगवान की मर्जी है पूजा, मैं क्या कर सकती हूँ? जिसको फिर तो पार्टी है, आज जश्न मनाए जाएंगे, फिर तो पार्टी टाइम हो रहा है। गिले पायल से बात कर, फिर से गुजरात हो जाएगी वैसी थी। हाँ पायल मुबारक, तेरे को भी मुबारक। हमने कहा मासी को तो पहले बताया जाए। हाँ हाँ मासी तो सबसे पहले गिद्दे पाने आएगी। चल मैंने कहा तो पहले चलो जैद, वो तो बड़ा कर लेती है। यार कोई बात नहीं, वो तो पल जाएगा वो, कि फिर से हम ना गोद भराई वगैरह सब कुछ करेंगे, मजे करेंगे। कितना मजा आएगा। और इस बार तो और भी स्पेशल होगा, क्योंकि देख गोलू प्रेग्नेंट है, मैं तो हूँ नहीं, तो सारी तैयारियां मैं इतनी धूमधाम से करूंगी ना। हाँ बिल्कुल, इस बार तो पूरा अपना अरेंजमेंट करियो, अपना पूरा तैयार भी हो सकती है, सब कुछ कर सकती है। इस बार तो एंजॉय का मजा ही अलग होगा। इस बार तो तुम्हारे साथ मैं नाचने के लिए फुल टूर रहूंगी। सही है। और ज्यादातर को मैंने वो लहंगा बनवाया था दिल्ली से बन के आया। हाँ 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 हाँ, वो हमारे जागरण के लिए वही पहनूंगी मैं तो, उस पे बेबी शावर पे वही पहनूंगी पक्का। ठीक है मैं भी अब बात रात को इतनी एक्साइटमेंट हो रही है ना मुझे। नहीं सो जाइयो सो जाइयो अभी, ये खुशखबरी उसको भी दे दियो। अरे वो एक और फ्रेंड है ना हमारी, प्रांजल। हाँ प्रांजल को भी दे दियो। ठीक है, वो भी खुश हो जाएगी। पायल देखो हाथ पे लग गई इसके, यार कितनी ज्यादा चोट लग गई है गाइस देखो। और यहाँ पे इसके लिए बैंडेज हो रहे हैं, देखो इसकी वजह से लग गई है। ये ना पतासा निकल रहा था ना पायल, इसके से लग गई यार। बैंडेज ढूंढ रहे, बैंडेज मिली, बैंडेज मिली नहीं। वैसे इतना हमेशा होती है यहाँ पे, मजा आ रहा है आपको यहाँ पे बैठ के? मैं नहीं खींच सकती इतनी भारी ट्रॉली बेटा, आपको पता है ना मम्मा नहीं खींच सकती अब ट्रॉली। मैं चाचू को बोलती हूँ, टिंकू चाचू को बोलती हूँ। पायल सुन, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ओरियो बिस्किट ले लूँ मैं, और चॉकलेट भी। हाँ ज्यादा मीठा मत खाइयो ओलू, किसी बार भी शुगर तेरा। यार पता नहीं मेरा मीठा खाने का मन करता है, इतना शुगर नहीं खाना, ये शुगर लेवल बढ़ जाएगा। हाँ सही बात है। तो गाइस ये सारी की सारी जो शॉपिंग है ना सारी हो गई डन, ये 3 1 टोकरी 2 टोकरी और 3 टोकरी। तो गाइस ये जितना भी सामान है ये सारा फार्म का है, तो इसके अंदर क्या है, डॉग्स का फूड है, और उनके लिए ये सारे स्टिक्स है, चावल लिए, फैन लिए क्योंकि वहाँ पे फैन लगाने थे। भाई कितने फैन लिए? 10 फैन लिए, अभी 16 और लेने हैं, स्टॉक नहीं था यहाँ पे, तो मैंने बोला है आप मंगा देना, क्योंकि एक जैसे लगेंगे ना अलग अलग अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ सही बात है। तो वो स्टॉक जब नेक्स्ट वीक आएगा तो दोबारा लेके जाना। तो पायल ने बोला कि गोलू यहाँ पे आके बैठ जाए तो थक जाएगी। मैंने कहा नहीं मैं इतनी ज्यादा थकी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितनी भी शॉपिंग है ना सारी पायल ने करी है, मैंने शॉपिंग नहीं करी ना, मैंने ये ट्रॉली बैग होते हैं इनको मैंने धक्का मारा। हाँ जी बोलो। आप ना क्या बोलते हैं, ट्रॉली में आप बैठे थे। पायल सुन, मैं क्या कह रही हूँ, डॉक्टर का टाइम तो यार निकल गया, अभी कल मॉर्निंग में चली जाऊंगी। ठीक है, 7:30 हो रहे हैं, मैम को फोन कर लेंगे, मैम आ जाएगी देखिए। अरे नहीं कल सुबह चली जाऊंगी ना, कल सुबह फिर जल्दी चल लेंगे ना। ठीक है, बच्चे सोए होंगे इस टाइम चल लेंगे, सुबह मैडम जल्दी बैठती हूँ। हाँ गाइस वैसे भी अभी सिर्फ एक ही दिन ऊपर हुआ है, पहले भी एक ही दिन ऊपर हुआ है, टेंशन मत ले। पिछली बार भी ऐसा हुआ था ना, जब मैंने चेक किया था तो मैं उसके एक हफ्ते बाद डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि बोलते हैं कि ना डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, वो मेडिसिन स्टार्ट कर देती है। पायल दोबारा से फॉलिक एसिड अच्छी होती है, ये सब खाना पड़ेगा ना, सारी दवाइयाँ अच्छी होती है, वैसे तो हम खाते नहीं है, प्रेगनेंसी के खाते लेते थे। हाँ ये भी है। मैंने हिसाब लगाया, जून की डेट आ रही है, जून यार सारा बच्चे गर्मियों के है, ये मई वो अप्रैल 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 मई जून, मतलब साल में 3 महीने हमारे बिजी रहेंगे। हाँ
पहले इसका बर्थडे बनाओ, फिर उनका बर्थडे बनाओ, फिर उनका बर्थडे बनाओ। तो गाइस यहाँ पर ना जब भी आती हूँ ना वड़ा पाव हमेशा लेते हैं, तो आज भी ना मैंने अपना जो वड़ा पाव है ना वो ले लिया है, और ये वाला जो वड़ा पाव ना चीकू का है क्योंकि इसमें मैंने केचप डलवाई अलग। तो यहाँ पे ना सारा सामान ना पार सेट करवा रही है, बहुत सारा सामान है तो उसको अच्छे तरीके से लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस सारा का सारा सामान हो गया अच्छे से पैक, बस डिक्की कर दो बंद और चलते हैं। तो आज इतना ज्यादा थक गया ना गाइस, इतना ज्यादा थक गया क्योंकि बहुत सारा सामान लेके आना था। फार्म का भी सामान लेके आए, घर का भी लेके आए, नीचे फिफ्थ फ्लोर का भी लेके आए, सेकंड फ्लोर का भी लेके आए, तो सब जगह का सामान लेके आया। अभी भी जो सामान है ना अनपैक नहीं किया, सुबह अनपैक बोल दिया मैंने फार्म का भी लेके आया, तो सुबह अनपैक करेंगे। अभी बस जो है नीचे जाते हैं, हमारे कमेंट्स जो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स का रिप्लाई देके वीडियो शूट करके आते हैं। बस चले, चलो चले, बच्चे सो रहे हैं फिर उठ जाएंगे। चला जा। चलो निशु भैया गुड न्यूज है, क्या? आप चाचू बनने वाले दोबारा। हाँ कैसे कैसे जो होता है नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैद छह महीने का भी नहीं हुआ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है भैया, इंसान पे वो थोड़ी है, कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है, भगवान की मर्जी होता है। अभी तो जैद भी छह महीने का नहीं हुआ। अब भैया मैं आपको गुड न्यूज देने आई हूँ, आप ये बात बोल रहे हो बहुत खुशी की बात है, तो सब अच्छे से होना चाहिए जो भी। तो गाइस हमारा न्यू सॉन्ग आ चुका है, गाने का नाम है जावे पानी ने, तो जिसने अभी तक नहीं देखा है जल्दी जाके गाना देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और कमेंट करना मत भूलना गाना कैसा लगा। तो गाइस आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो बस इस व्लॉग को इस खुशी के साथ यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और गोलू कुकर लेके जाऊंगी हॉस्पिटल, सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा। तो बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आने वाली है घर पे, तो बाय बाय गाइस, गुड नाइट।